गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज एक बार फिर से हमारे पास साइबेरियन हस्की है, ग्रे एंड ब्राउन कलर एज यू कैन सी। ब्लू आइज पपी है, ये बहुत खूबसूरत पपी है। और जिन लोगों को ऐसा लगता हो कि साइबेरियन हस्की एसी एडिक्टेड होते हैं, उन लोगों को मैं एक बात क्लियर कर देना चाहूँ, बचपन से आप जैसे एटमॉस्फेयर में रखेंगे हस्कीज को, जिस परिवेश में रहे उस परिवेश में ये ढल जाता है। अभी जैसे सपोज करिए, ये पपी अगर वाराणसी में पैदा हुआ है, इसकी मम्मी पापा भी यहीं पे हैं, उनके भी मम्मी पापा यहीं पे हैं, उनके भी मम्मी पापा यहीं पे, तो 4 से 5 जनरेशन ये वाराणसी के ही क्लाइमेट में है और बस फैन में रह रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। और सपोज़ करिए अगर ये पपी कहीं बाहर से आया होता, एसी में ही रह रहा होता, तो ये एडिक्टेड होता। तो डिपेंड करता है कि ब्लड लाइन किधर की है, मदर फादर को आदत क्या है। अब इसके कलर पे थोड़ा गौर करें, इसका कलर पूरा सेबल या ग्रेइश है, जैसा आप वुल्फ हाइब्रिड का या वुल्फ का या भेड़िए का देखते होंगे, ठीक है। आँखें इसकी पूरी ब्लू हैं, एकदम नीली आँखें हैं, ये देखिए। मैसी हेलो बोल दो व्यूवर्स को। तो व्यूवर्स, ये है साइबेरियन हस्की। अगर आप भी हस्कीज़ के पपीज़ लेने में इंटरेस्टेड हो तो हमें नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। और बहुत ही इंटेलिजेंट ब्रीड होते हैं ये, हमेशा एक्साइटेड रहते हैं हर एक चीज़ के लिए, नई चीज़ कहाँ क्या है इनको सूंघना बहुत अच्छा लगता है। और प्लेफुल ब्रीड, अगर आप अपार्टमेंट डॉग खोज रहे हैं और पग डैश ऑन पोमेरियन कल्चर फ्रॉम शिब्जू से बोर हो गए हैं, टेस्ट कुछ नया करना चाह रहे हैं, डॉग बहुत ज़्यादा बड़ा भी ना हो, बहुत ज़्यादा छोटा भी ना हो, सो ये 2 BHK फ्लैट में भी बहुत आराम से रह सकता है। सुबह शाम अगर आप आधे से 1 घंटे इन्हें वॉक दे दें तो उतना सफिशिएंट है। ये बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होते, बहुत छोटे भी नहीं होते, मीडियम साइज़ के डॉग्स होते हैं और बहुत प्यार से रहते हैं। तो ये थी थोड़ी सी जानकारी साइबेरियन हस्की के बारे में। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए हुए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।